कल पीएम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में मोदी सरकार 3.0 के भव्य शपथ समारोह की तैयारियां चल रही हैं। शपथ समारोह के लिए पड़ोसी देशों के नेताओं को भी न्योता दिया गया है। विदेशी मेहमानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। शपथ समारोह में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना दिल्ली पहुंच गई हैं। दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। बांग्लादेश के अलावा भूटान, नेपाल, मॉरिशस समेत कई पड़ोसी मुल्कों के नेता भी मोदी सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं। वहीं चीन के इशारे पर कई महीने से भारत को आंख दिखाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी भारत से रिश्ते सुधारने की दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं। मोइजू ने मोदी सरकार के शपथ ग्रहण निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। शपथ समारोह में उनके भी दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। मोइजू के साथ उनके कई मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भी दिल्ली आ सकते हैं। हालांकि आमंत्रित पड़ोसी देशों की इस सूची में पाकिस्तान और चीन शामिल नहीं है। शपथ ग्रहण का निमंत्रण नहीं मिलने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।